नमस्ते, मैं हूँ सपना और आप सभी को स्वागत है सपना रंधा पार्टी में। तो आज हम बनाएंगे टोमेटो सूप और ये टोमेटो सूप बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी पसंद है। तो चलिए बनाते हैं टोमेटो सूप। चॉप कर लिए हैं, मीडियम साइज का हाफ ऑनियन चॉप्ड कर लिए हैं, हाफ कैप्सिकम को चॉप्ड कर लिए हैं, गार्लिक यहाँ पे लिए हैं 3 cloves, पर्सले फ्लेक्स लिए हैं 1/4 teaspoon, क्यूमिन शीट्स यहाँ पे लिए हैं 1/4 teaspoon, ब्लैक पेपर यहाँ पे लिए है 1/4 teaspoon, शुगर लिए है 1/2 teaspoon, ऑल पर्पस फ्लोर लिए है 1 teaspoon, एक हालपिनो को चॉप कर लिए है, सॉल्ट लिए है 1 teaspoon, बटर लिए है 2 tablespoon और वाटर लिए है 1 cup। पैन को पहले गरम कर लेते हैं। पैन अभी गरम हो गए, अभी इसमें 1 tablespoon बटर ऐड कर देंगे। फिर इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड कर देंगे। फिर हाफ ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। हाफ गार्लिक ऐड कर देंगे। अभी इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। फिर कैप्सिकम को भी ऐड कर देंगे। अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी टोमेटो भी ऐड कर देंगे। फिर अच्छे से इसको भून लेंगे। फिर इसमें हाफ सॉल्ट ऐड कर देंगे। फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी इसको कवर करके कुक करेंगे 10 minutes तक। तो चलिए देखते हैं सब्जी कुक्ड हुआ कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो हाँ, सब्जी एकदम कुक्ड हो गई है। अभी गैस को बंद कर देंगे। सब्जी ठंड होने के बाद ग्राइंडर में दे के प्यूरी बना लेंगे। अभी उसी पैन में जो हाफ बटर था वो ऐड कर दिया। फिर उसमें जो हाफ गार्लिक था वो भी ऐड कर दिया।
अभी जो हाफ ब्लैक पेपर था वो भी ऐड कर दिया। अभी इसमें ऑल पर्पस फ्लोर ऐड कर देंगे। इससे सूप का थिकनेस अच्छा आता है। इसमें प्यूरी को ऐड कर देंगे। अभी इसको 10 मिनट्स तक भूनेंगे। इससे सूप का कलर अच्छा आएगा। तो देखिए सूप का कलर कितना अच्छा आया है। अभी इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी इसमें शुगर ऐड करेंगे। अभी इसमें बाकी सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। फिर पार्सले फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे। फिर बाकी पानी भी ऐड कर देंगे। अभी सूप को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अभी सूप को सर्व कर लेंगे सर्विंग बोल में। गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे बटर और पार्सले फ्लेक्स। सूप इज रेडी। अभी सर्व करेंगे क्रैकर के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज का ट्रिक है, टोमेटो काट करने के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं।